ऊना वानाडोंगरी क्षेत्र में आने वाले ग्रीन पार्क अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा 7 साल से परेशानी में जूझ रही है। बीते 7 साल से ग्रीन पार्क अपार्टमेंट एसोसिएशन के 144 फ्लैट धारक तकरीबन 300 से ज्यादा परिवार कच्ची सड़क की धूल खा रहे हैं। ग्रीन पार्क अपार्टमेंट निवासियों को अनेक अपार्टमेंट निवासियों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपार्टमेंट के निवासियों ने नगर परिषद वानाडोंगरी मुख्य अधिकारी प्रशासक स्थानिक विधायक समीर मेघे और साथ ही अन्य विभागों में कई बार पत्र व्यवहार करके मदद की गुहार लगाई थी, परंतु 2018 से कोई भी प्रकार की समस्या पर प्रशासन का ध्यान न होने से अपार्टमेंट निवासियों से नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के 300 परिवारों को सही मायने में पानी की कमतरता होने के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं करने से निवासियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? ऐसा सवाल ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के निवासी कर रहे हैं। सड़क का निर्माण करने की अत्यंत आवश्यकता है, साथ ही सड़क से जुड़कर गटर लाइन भी गई है जो दुर्गंधी और अन्य बीमारियों का शिकार करने के लिए आमंत्रित करती दिखाई दे रही है। तत्काल गटर लाइन को अंडरग्राउंड करने की मांग अपार्टमेंट के निवासी कर रहे हैं। 2018 से काफी बार प्रशासन को ध्यान में लाकर दिया, परंतु प्रशासन जानबूझकर समस्या सुलझाने का प्रयत्न ना करके ध्यान भटका रही है, जिसके कारण काफी समस्या हो रही है। यदि 40 मीटर सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो धरना आंदोलन करने की चेतावनी ग्रीन पार्क अपार्टमेंट एसोसिएशन के दिनेश अग्रवाल इन्होंने दी है। इस दरमियान कैप्टन संजय खंडारी, पूर्व सचिव अभिजीत मिश्रा, दिनेश अग्रवाल, प्रकाश मोहर, गीता दिलीप खड़गी, भूपेंद्र अग्रवाल, अभिजीत मिश्रा, युवराज जांभुलकर, विशाल निकोसे, राहुल जबनपुत्र, रंजीत रहांगडाले, मनीष राउत, भीमा गुप्ता आदि निवासी उपस्थित थे। वाड़ी से सौरभ पाटिल, NBC न्यूज, नागपुर। ग्रीन पार्क सोसाइटी वानाडोंगरी से एज ए प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ और कैप्टन संजय खंडारे। मेरा एक निवेदन है कि हमारी जो रहने की सोसाइटी है जिसमें टोटल 144 फ्लैट ओनर्स है, जिनको इस रोड को पीछे के अगर देखेंगे आप तो आने जाने में महिलाएं और बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत आती, कई बार गाड़ी स्लिप होके गिरी है उनको, कई बार चोट लगी है। इससे संबंधित हम हमारी संबंधित वानाडोंगरी के CO साहब, यहाँ के जो बांधकाम सभापति एवं हमारे वार्ड मेंबर है नितिन साकड़े जी, इनसे मुलाकात की, हमारी तकलीफ के बारे में उनको भी बताया है। नमस्कार, मैं प्रकाश मोहड़, प्रोफेसर प्रकाश मोहड़, मैं ग्रीन पार्क अपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। आम्ही लगभग एक वर्षापासून एक आमची जी सोसायटीच्याच बाजूला जो रोड जातो आहे त्याला खूप कंटाळलेलो आहे। ॲक्च्युली आम्ही जेव्हा गाडी काढायला जातो त्यावेळेस इतके सारे दगड, माती आणि पावसामुळे तर इतका सारा चिखल होऊन जातो तिथे। याचं वारंवार हे निवेदन जे आहे, जो त्रास आम्हाला होतो याचं निवेदन आम्ही वारंवार नगर परिषदेला दिलेलं आहे। लगभग आमच्याकडे 4 निवेदन आम्ही त्यांना दिलेले आहे, पण ते नुसतं आम्हाला जे उत्तर देतात ते फक्त असं ढवळाढवळी जे उत्तर देतात की आम्ही करूया, आम्ही 15 दिवसात होऊन जाईल, तुमचं सँक्शन झालेलं आहे। सर, मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है, मैं वानाडोंगरी ग्रीन पार्क अपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सर, पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और रोड की समस्या, पानी की समस्या, काफी समस्या इस अपार्टमेंट में है। अपार्टमेंट में दे बोला जाए तो वहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है वो बहुत ही खराब है। इसके लिए हमने आवेदन भी दिए हैं, 2018 से हम आवेदन देते जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के जो सभ्य है अपने समीर मेघे साहब, उनको भी दिया है, वानाडोंगरी नगर परिषद में भी दिया है, नितिन साकड़े जी को भी दिया है। आम्ही या रोड पासून खूप परेशान आहोत, कारण 2018 पासून आम्ही सारख्या कंप्लेंट करून राहिलो, अर्जही देऊन राहिलो, ते वेळेवर टाळाटाळी करून राहिले। त्यात ते म्हणतात की आज करेंगे कल करेंगे, अशा प्रमाणात ते आम्हाला परेशान करतात आणि आम्हाला जायला इतका त्रास होतोय की पावसाळ्यात तर अक्षरशः आम्ही पडतो। आमच्या गाड्या तर खराब होतातच, पण आमची जीवेहानी पण होते। त्यासाठी काय करायचं? आम्ही कंप्लेंट दिल्याच्या नंतरही ते सॉल्व काही करून नाही राहिले। पुष्कळ जणांना जाऊन आम्ही कंप्लेंट दिलेली आहे, मुलांना घेऊन येताना स्कूलमधून छोटे छोटे मुलांना घेऊन येताना कधी दळण आणताना आमचं दळण सांडून जाते, तिथे मुलं पडतात। म्हणजे किती आम्ही म्हणजे परिस्थितीतून, विकट परिस्थितीतून निघून राहिलो याची काही आम्ही सांगू नाही शकत, अशा परिस्थितीमध्ये आहोत आम्ही। नमस्कार जी, मेरा नाम अभिजीत मिश्रा, मैं ग्रीन पार्क सोसाइटी वानाडोंगरी का रहवासी हूँ और मैं पिछले 6 साल से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। और 6 साल से रहते हुए आज तक जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, इसका आज तक समाधान नहीं निकला। आज भी वैसी स्थिति है जैसे 6 साल पहले थी।
हर आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हमारे यहाँ की लेडीज हैं जो टू व्हीलर्स चलाती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर दुर्घटना का शिकार होते हैं। और जैसे कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, जो यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए जो प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए, जैसे NMC वाटर है जो हमारे पास 6 सालों से नहीं है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन जिम जो कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, सामने बच्चों के खेलने के लिए इतना बड़ा प्लेग्राउंड बना है, वहाँ पर एक ग्रीन जिम होना जरूरी है।